फ्रेंड्स, पदारोसा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल। इस तरह से ब्रेड रोल बनाने पर घर में सबको बहुत पसंद आती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक कटोरी में 4 चम्मच मैदा लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर घोल तैयार करना है। देखिए इस तरह का घोल तैयार करना है। एक बार इसे साइड में रखना है। मैंने यहाँ एक बाउल में 4 उबले हुए आलू लिए हैं। अब इन्हें मैश करना है। आलू आराम से मैश हो रहे हैं। मैंने आलू 3 सीटी लगाकर उबाल लिए थे। अब इसमें 1/4 कप बारीक कटा हरा धनिया, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा प्याज, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून ग्रेटेड अदरक, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स, 1/3 कप छोटे टुकड़ों में कटा हुआ पनीर, स्वादानुसार नमक और 2 चुटकी हींग डालकर अच्छी तरह मिक्स करना है। मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहे तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, बस अच्छी तरह मिक्स हो जाना चाहिए। मिश्रण तैयार है। अब इसे एक बार साइड में रखना है। मैंने यहाँ सैंडविच ब्रेड ली है। आप अपनी पसंद से कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, पर ब्रेड फ्रेश होनी चाहिए। अब इसके किनारों को कट करना है। इसी तरह से सारी ब्रेड तैयार करनी है। मैंने यहाँ एक चकला लिया है। अब इस पर ब्रेड रखकर बेलन से प्रेस करना है। इसी तरह से सारी ब्रेड तैयार करनी है। अब थोड़ा मिश्रण लेकर हाथ से घुमाते हुए थोड़ा लंबा शेप देना है, जितना ब्रेड पर आसानी से आ जाए। अब मैदे वाले घोल को किनारों पर लगाकर रोल को शेप देना है। हाथों से दबाते हुए अच्छी तरह चिपका देना है, ताकि फ्राई करते समय रोल खुल ना जाए। अब तैयार रोल को मैदे के घोल में डालकर घुमाना है और ब्रेड क्रम से लपेटना है। इसी तरह से सारे रोल तैयार करने हैं। मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तेल मीडियम गरम ही करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गरम नहीं लेना है। अब इसमें तैयार रोल डालकर फ्राई करने हैं। रोल को तेल में डालते ही नहीं हिलाना है, 1 मिनट बाद ही पलटना है। वैसे तेल में डूबे हुए हैं तो चारों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। अब इन्हें उलट पलट करते हुए मीडियम फ्लेम पर सुनहरा होने तक फ्राई करना है। रोल सुनहरे हो गए हैं। ब्रेड रोल तैयार है। आप भी जरूर बनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।